हेलो एवरीबॉडी, ये है नेहा। इनकी एक प्रॉब्लम है और सवाल क्वेश्चन था कि सर मैं क्या खाना खाऊं। जब से बच्ची हुई है, घर वाले और हर कोई भी मुझे काफी मदद से कंप्लेन करते हैं या पूछते हैं कि सर क्या खाना है। बहुत सारे लाइफ में रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं, तो मैं आप सबसे, जैसे कि इनको बोला गया है कि राइस नहीं खाना है, रोटी नहीं खानी है, फिर स्प्राउट्स नहीं खाने हैं, चने बिल्कुल नहीं खाने हैं, उससे बच्चे को पेट में दर्द होता है, और फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, चीज बटर पनीर सब बंद, बस घी खाओ। तो मैं ये सबको, जितने भी सुन रहे हैं मुझे प्लीज, जब बच्चा बाहर आ गया तो मम्मा के दूध पे रहता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकी मम्मा ने अगर चाइनीज खा लिया तो उनके दूध में से नूडल्स आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिथ है, आपका वहम है। स्प्राउट्स, चने, ये सब में प्रोटीन होता है। हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि हेल्दी फूड खाना है जब आपका बच्चा आपके, और आपको डबल खाना है, लेकिन आप इतने रिस्ट्रिक्शन डाल दे तो यार, पोस्ट प्रेगनेंसी, एक तो हर एक मम्मा थोड़ा डिप्रेशन में रहती है, उनकी रातों की नींद खराब हो जाती है, और उसमें भी आप रिस्ट्रिक्शन डाल दोगे, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, बच्चों को ये हो जाएगा। अरे उनका भी तो कुछ सोचो, वो अच्छा खाना खाएंगे, उनके मन पसंदी का, जो भी उनका पसंद का खाना खाएंगे तो उनको फीडिंग अच्छा आएगा। आप रिस्ट्रिक्शन, कुछ लोग मुझे कुछ मदद बोलते हैं पीला खाने से, पीला मत खाना, हल्दी वाला, वरना बच्चे को पीलिया हो जाएगा। ये सब मीथ है। सारी मदर्स को, आपको जो खाना